तो दोस्तों कल अवध विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर प्रमोट के लिए दिए गए धरने को आज उत्तर प्रदेश के 3 मुख्य समाचार एजेंसियां दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान ने उससे संबंधित खबर छापी है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से पेपर का क्या कहना है, कौन से पेपर ने इस मामले की क्या हेडिंग बनाई है। सबसे पहले हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने ये लिखा है कि बीएड में प्रोन्नत के लिए आंदोलन। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि बीएड में प्रोन्नत के लिए आंदोलन, ठीक है। और अगर बात करें हम दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण ने थोड़ी सी नेगेटिव खबर डाली है। विद्यार्थियों के हित की बात करें तो अवध विश्वविद्यालय में बीएड छात्रों का प्रदर्शन व नारेबाजी, ठीक है। नीचे लिखा गया है कि बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों ने की प्रोन्नत करने की मांग, आज भी करेंगे प्रदर्शन। ये रहा दैनिक जागरण का खबर। और बात करें अमर उजाला की, तो अमर उजाला ने साफ तौर पर लिखा है कि अवध विश्वविद्यालय के 19,000 विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे TET परीक्षा। देखिए ये मामला क्या था, क्यों प्रदर्शन हुआ था, प्रमोट के लिए नहीं, TET में आवेदन की योग्यता के लिए बात की गई थी कि अगर प्रमोट नहीं हुए तो TET नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो मुख्य मुद्दा था वो TET का था। तो अमर उजाला ने ये हेडिंग बिल्कुल छात्र हित में डाली है कि अवध विश्वविद्यालय के 19,000 छात्र, बात एक दो छात्रों की नहीं है, बात 19,000 छात्रों की है कि 19,000 छात्र इस बार TET में नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिए कि बीएड का एकमात्र मकसद होता है, बच्चों का सपना होता है कि बीएड करने के बाद वो TET दें और आने वाली शिक्षक भर्तियों में वो आवेदन करें और शिक्षक की नौकरी पाए। तो इन दो खबरों को छोड़ेंगे, अमर उजाला सॉरी दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की खबरों को, इसी खबर को फोकस करते हैं कि अमर उजाला ने क्या लिखा और इसी खबर को विस्तृत से जानेंगे। तो चलिए आइए नीचे पढ़ते हैं इस खबर को कि अवध विश्वविद्यालय के 19,000 विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे TET परीक्षा। नीचे सब हेडिंग में लिखी गई है कि कोरोना के चलते नहीं हुई बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा, अब 26 से एग्ज़ाम करने की घोषणा। देखिए कोरोना तो एक बहाना है भाई, कोरोना तो बिल्कुल एक बहाना है। आइए इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। TET में शामिल होने के लिए प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य, कोरोना के चलते प्रमोशन होने की थी उम्मीद। खबर के अंदर लिखा गया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बीएड प्रथम वर्ष की अभी तक परीक्षा न कराए जाने से 19,000 छात्र TET परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड और एमएड की परीक्षा की स्कीम जारी कर दी, परीक्षाएं 26 अक्टूबर से शुरू होंगी, जबकि TET के लिए आवेदन 25 अक्टूबर ही तक आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में अवध विश्वविद्यालय के संबंध बीएड प्रथम वर्ष के छात्र TET परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। हालांकि विद्यार्थी काफ़ी दिनों से TET में भाग लेने के लिए प्रमोट किए जाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है, काफ़ी दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन से ये बात की जा रही है विद्यार्थियों के तरफ से। आगे लिखा कि अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद अभी तक बीएड परीक्षा संपन्न नहीं कराई है। विश्वविद्यालय के संबंध में महाविद्यालयों में बीएड के लगभग 34,000 विद्यार्थी, जी हाँ 34,000 स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, जिसमें 19,000 बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। वहीं दूसरी ओर TET और CTET परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख की घोषणा हो चुकी है। TET की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है UPTET की, और CTET की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। दोनों परीक्षाओं के लिए आवश्यक है कि बीएड प्रथम वर्ष की अंक पत्र विद्यार्थियों के पास होने चाहिए, ठीक है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक बीएड की एग्ज़ाम ही नहीं कराई तो अंक पत्र कहाँ से विद्यार्थी लेके आएंगे। तो ये खबर छापी है अमर उजाला ने, और आगे विद्यार्थियों की क्या मांग है, विद्यार्थियों की बात को भी यहाँ पर अमर उजाला ने रखा है कि अवध विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ने सोमवार को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की मांग है कि TET परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी को प्रमोट किया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का तुगलकी फरमान है, बीएड वाले सभी विद्यार्थी का लक्ष्य TET और CTET की परीक्षाओं में प्रतिभाग करना होता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कारण इस बार अवध विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि जब तक प्रमोट किए जाने की फैसला विश्वविद्यालय नहीं लेता तब तक धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन करने वालों में साकेत महाविद्यालय के
छात्र संघ के अध्यक्ष आभास कृष्ण यादव जी, अमन चौधरी, उपेंद्र कुमार, पवन दुबे, अंशु तिवारी, प्राची पांडे, खुशबू यादव, आलोक त्रिपाठी, अयोग शुक्ला और सद्दाम शिवम पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। ठीक है, ये तो बात हो गई छात्रों की। अब विश्वविद्यालय ने इस पर क्या टिप्पणी की है उसके बारे में भी अमर उजाला ने यहाँ पे अंकित किया। इसका कि परीक्षा समिति की आपात बैठक में हुआ परीक्षा कराने का निर्णय, मतलब बेनतीजा रहा इसी। ठीक है, विश्वविद्यालय अपने पुराने फैसले यानी कि परीक्षा कराने पे अडिग रहा और एक बार फिर से उसी फैसले को दोहराया गया विश्वविद्यालय की तरफ से। क्या कहा गया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन में सोमवार को विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद आनंद फानंद में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की आपात बैठक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन संपन्न हुई। बैठक में बीएड तथा एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 26 अक्टूबर से कराए जाने के निर्णय एवं परीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। बैठक में बीएड व एमएड प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम 2020-21 शिक्षण कार्य एनसीटीई के मानक अनुसार 210 दिन पूर्ण होने के फल स्वरूप परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए जाना सहमति बनाई। बताया गया है कि एक्चुअली में देखिए क्या है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि 210 दिनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही एग्ज़ाम्स कराया जा सकता है और 210 दिनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद से 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो बस यही सूचना इसमें दी गई है कि 26 अक्टूबर से परीक्षाएं प्रारंभ कराई जाएंगी। और इस बैठक में कौन कौन से शामिल थे, प्रोफेसर उमानाथ जी और प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर आलोक शुक्ला जी, प्रोफेसर एन के तिवारी, प्रोफेसर चयन कुमार मिश्र, डॉक्टर के सी वर्मा, डॉक्टर सैफाले सिंह, उल कुल सचिव विनय कुमार सिंह, डॉक्टर वीपी सिंह, मतलब ये अन्य लोग शामिल रहे विश्वविद्यालय की तरफ से। तो ये थी खबर अमर उजाला की थी। बाकी सब संबंधित सारी न्यूज़ एजेंसी ने यही खबर छापी है। यहाँ पे भी यही लिखा गया है बीएड प्रोन्नत के लिए आवेदन। ठीक है, यहाँ पे भी इसी बात को लिखा गया है कि परीक्षाएँ कराई जाएंगी, बीएड एमएड की परीक्षाएँ 26 अक्टूबर से कराई जाएंगी। ठीक है, इसी खबर को यहाँ पे लिखा गया हिंदुस्तान में। और साथ ही साथ दैनिक जागरण में भी यही लिखा गया है कि परीक्षाएँ समिति ने मांग को कराई और परीक्षा कराने पर निर्णय लिया। तो दोस्तों अभी तक की बात यही है कि अपने पुराने कार्यक्रम को ही फिर से दोहराया गया है कि पुरानी कार्यक्रम की भांति इस बार भी परीक्षाएं होंगी यानी कि 26 अक्टूबर से पेपर होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप सहयोग कर सकते हैं इन विद्यार्थियों को जो वहां पे जाके प्रमोशंस की मांग कर रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर सहयोग करिए और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जैसे कोई सूचना निकल के आती है आपको चैनल पर अपडेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।